दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर राजधानी दिल्ली के बाजार सजकर तैयार है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। तमाम लोग दिवाली के लिए खरीदारी करने बाजारों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के रोहिणी स्थित नाहरपुर मार्केट की तस्वीर भी साफ दिखा रही है कि लोग किस तरह से दिवाली से पहले की खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि नाहरपुर मार्केट एक प्रसिद्ध मार्केट में से एक है। ऐसे में इस मार्केट की रौनक और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा बेहद खास हो जाता है। इस बाबत नाहरपुर मार्केट के प्रधान पवन चौधरी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से मार्केट में निजी गार्ड तैनात किए गए हैं, जो लगातार मार्केट की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की गश्त को भी बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सारी होलसेल की शॉप्स है, ड्राई फ्रूट्स की, किराना की, कॉस्मेटिक्स, हॉजरी और सब पूजा की दुकानें, तो हर जगह पर होलसेल रेट्स में अच्छी क्वालिटी में, इसलिए यहाँ पे कस्टमर आता है। फेस्टिवल सीजन में हम स्पेशल तैयारी करते हैं कि मार्केट में क्या किया जाए जिससे कस्टमर आए और व्यवस्था एक प्रॉपर ढंग से बनी रहे। तो इसके लिए हमने एक टीम बनाई थी। प्रॉपर टीम ने पूरा 10-15 दिन से लगी हुई है। दिन के टाइम में हमने 2 सिक्योरिटी गार्ड रख दिए हैं व्यवस्था को बनाने के लिए, जो पूरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सही ढंग से लगवाते हैं, जाम को लगने नहीं देते। रोड के शुरुआत से लेकर लास्ट तक रोड पे हमने पोल को खुदवाकर और वहाँ पे रस्सी के साथ एक सीमा बना दी है, ताकि जो रस्सी के साइड में जितने भी ये दिए बेचने वाले और ये खील बेचने वाले दिवाली से रिलेटेड जो आते हैं गाँव से, वो लोग बैठ जाए, ताकि मार्केट के उसमें रोड के बीच में ना आए। तो एक व्यवस्था हमने पिछले साल भी बनाई थी, बट इस बार जो व्यवस्था बनाई है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। इसके अलावा हमारी डे टू डे कनेक्टेड पुलिस विभाग में भी बात होती रहती है, तो पीए सिस्टम भी हमने लगवा रखे हैं। अब 2 PA सिस्टम कर दिए हैं, जिसमें टोटल वो चलते रहते हैं, और जिसमें कस्टमर्स को और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए कि कोई भी संदिग्ध कोई भी ऐसा कोई असामाजिक तत्व घूम रहा हो या कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, जैसे अभी एक मिस हैपनिंग हुई है अपना प्रशांत विहार में, तो उससे रिलेटेड हमने पूरा कोशिश किया है कि डे टू डे डेली बेसिस पे हम दुकानदारों को बोलते हैं कि अपना जो है कि सामान ढंग से लगाइए, जितने भी काउंटर लगे हैं उस पर आप नीचे देखते रहिए कोई ऐसा सामान ना पड़ा हो। कोई रश तो इतना है मार्केट में, अभी से स्टार्ट हो गया है, बट उसमें व्यवस्था ऐसी है कि अभी तक हमने बैरिकेड्स नहीं लगवाए हैं। हमारी एसोसिएशन की बात करूं तो बहुत अच्छे इंतजाम है, क्योंकि आप बाहर भी देखेंगे रोड आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। हमारी एसोसिएशन ने स्पेशली 2-3 चौकीदार की व्यवस्था बढ़ाई है, कोई दिक्कत है, और दुकानदार भी बहुत ही अवेयर है। खासतौर से जो अभी प्रशांत विहार में इंसिडेंट हुआ ना, सब दुकानदार बहुत अवेयर है, हम सब भी पर्सनली बहुत ध्यान रखते हैं, तो होपफुली सब बेहतर ही रहेगा। दिवाली के मद्देनजर मार्केट की सुरक्षा को लेकर मार्केट के प्रधान की तरफ से भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट की मौजूदा स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। मार्केट में लोगों की भीड़ इस कदर देखने को मिल रही है कि यहाँ कभी भी कोई भी संदिग्ध मार्केट की रौनक और शांति दोनों को ही भंग कर सकता है। इसके अलावा पुलिस का भी एक भी जवान मार्केट में तैनात नहीं दिखाई दिया। नाहरपुर मार्केट की स्थिति उस समय है जब कुछ दिन पहले ही रोहिणी के ही प्रशांत विहार स्थित CRPF स्कूल के पास धमाका हुआ था। आपको बता दें कि जहां ये हादसा हुआ था वहां से कुछ ही दूरी पर ये मार्केट है, उसके बावजूद सुरक्षा में इस तरह की ढील बरतना स्थानीय पुलिस थाने की लापरवाही को तो दर्शा ही रहा है। साथ ही मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के दावों की भी पोल खोलने का काम कर रहा है। ऐसे में मानो इस मार्केट में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है।